दोस्तों पिछले कुछ वक्त में मिडल ईस्ट एक बहुत ही अनस्टेबल रीजन रहा है, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन से लेकर दुनिया की हर पावर का इंटरेस्ट रहा है। और इस समय चीन अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाता हुआ वहां इतना ताकतवर हो गया है कि उसने सऊदी और ईरान जैसे देशों के बीच में चलती आ रही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए न सिर्फ दोनों के बीच में बातचीत करवाई है बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स भी ली हैं। जी हाँ, तो क्या है चीन का मिडल ईस्ट पर कब्जा करने का प्लान और आगे इससे दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिडिल ईस्ट को हमेशा से ही एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस रीजन की तरह देखा जाता है, क्योंकि इसराइल, सऊदी, कतर और यूएई जैसे अलायंस की वजह से वो यहाँ डोमिनेट करता आया है। ये सभी देश सुन्नी देश हैं और इस वक्त दुनिया में एक ही देश है जहां पर शियाज पावर में है, जी हाँ, और वो है ईरान। जिस वजह से ईरान और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के बीच में आपस में नहीं बनती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू के समय में मिडिल ईस्ट के देशों में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी और उसके बाद भी 1979 तक ईरान और सऊदी दोनों को ही वेस्ट के कैंप के रूप में देखा जाता था। लेकिन इसके बाद इरानियन रिवॉल्यूशन के आने से शाह ऑफ ईरान को रिमूव कर दिया गया और ईरान में आयातुल्ला खुमैनी की सरकार आ गई। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ईरान इस रिवॉल्यूशन को पूरे मिडल ईस्ट में फैलाना चाह रहा था, जो कि सऊदी के लिए मुसीबत बन जाती। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में भी एक सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन रहती है और अगर यहाँ पर भी लोगों को राजशाही के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाता तो न केवल सऊदी राज परिवार को खतरा था बल्कि साथ ही ईस्टर्न रीजन से भी सऊदी का ज्यादातर ऑयल निकलता है और इसीलिए यह जगह स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था और इसने भी सऊदी अरब को चिंता में डाला हुआ था, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो फिर मिडल ईस्ट में उसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा ही दोस्तों ईरान को अलग थलग रखा है और उन पर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वो अपना तेल भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकते, जिस वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जो इस रीजन की दूसरी पावर्स को काफी नर्वस कर देता है। यही वजह है कि जब ईरान और इराक के बीच में जंग हुई थी तो सऊदी ने भी इराक को पैसे भेजकर उनकी मदद की थी और उसके बाद से अभी भी सऊदी और ईरान कई सारे देशों में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। आज यमन में जो सिविल वॉर चल रही है, आपको बताएं उसमें एक तरफ ईरान द्वारा सपोर्टेड हूतीज हैं जो कि हथियारों के दम पर वहां कब्जा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सऊदी भी यहां पर लगातार उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक्स करता रहता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में कुछ वक्त के लिए शांति स्थापित भी की गई थी और जब मोहम्मद खतामी ईरान के प्रेसिडेंट बने थे और 2001 में सऊदी और ईरान ने टेररिज्म से लड़ने के लिए एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था। ये प्रोग्रेस शायद आगे भी कंटिन्यू करती, लेकिन तभी 2003 में अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर दिया और यहाँ से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि इराक में 60% लोग शिया हैं और इराक से ही कुवैत, जॉर्डन, टर्की और सीरिया जैसे देशों के बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि इराक ही ईरान के लिए मिडल ईस्ट का गेटवे है और यहाँ पर अमेरिका का दखल उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। सद्दाम हुसैन के हटने के बाद इराक में नूरी अल मलिकी का राज शुरू हो गया था, जो कि शिया पॉपुलेशन पर ज्यादा ध्यान देता था और इस वजह से ईरान और इराक फिर से थोड़े करीब दिखने लगे थे, जिसने इस रीजन की बाकी पावर्स को और भी ज्यादा नर्वस कर दिया था। अमेरिका इतने वक्त तक यहाँ रहा लेकिन वो इन सभी देशों के बीच में शांति स्थापित नहीं कर पाया। इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में माना जाता है वो है 2016 का वो इवेंट जब सऊदी अरब ने निम्र अल निम्र नाम के एक शिया क्लरिक और 46 दूसरे लोगों को टेररिज्म के नाम पर मौत की सजा दे दी थी। इसके विरोध में लोग ईरान की सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने सऊदी एम्बेसी को आग भी लगा दी थी और उसके बाद से दोनों ही देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। तो दोस्तों ये है वो बैकग्राउंड जिसे चीन के इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर चीन और मिडिल ईस्ट के रिश्तों को देखें तो वो पहले भी अच्छे ही रहे हैं, लेकिन अब तो चीन और ईरान ने एक 25 साल का कोऑपरेशन पैक्ट भी साइन कर लिया है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स तो अभी पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन इससे चीन ने यह ऐलान जरूर कर दिया है कि ईरान के एनर्जी सेक्टर में $400 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। $400 बिलियन पाकिस्तान जैसे देशों की GDP से भी ज्यादा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी डील है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ तो चीन एक कदम और आगे भी बढ़ गया है। आज वो सऊदी की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको में एक बड़े शेयर होल्डर है। साथ ही अब सऊदी अरब को एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से एक टूरिज्म और सर्विसेज ड्राइव इन कंपनी में तब्दील करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अपना विजन 2030 प्लान सामने रखा है
और इसमें भी चीन एक बड़ा इन्वेस्टर बन के उभरा है। जहाँ एक तरफ सऊदी को इससे अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा मिल रहा है, वहीं चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला ले रहा है। चीन के लिए ऑयल बहुत जरूरी है, लेकिन वो इसके लिए बाकी देशों पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो ये चाह रहा है कि सऊदी और ईरान दोनों से ही अच्छी दोस्ती रखी जाए, साथ ही इन दोनों देशों के बीच में भी अच्छी दोस्ती करवाई जाए ताकि इस रीजन में पीस रहे। 70 के दशक में दोस्तों जब इसराइल और बाकी अरब देश लड़ रहे थे, तब अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा था और इसलिए सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने तेल बेचने से मना कर दिया था और अमेरिका से लेकर दुनिया भर के एक ऑयल क्राइसिस शुरू हो गई थी। जी हाँ, जहाँ आज अमेरिका अपनी टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 5% ही मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करता है, वहीं चीन आज भी अपनी 50% से ज्यादा ऑयल रिक्वायरमेंट्स इस रीजन से पूरी करता है। इसके लिए इस रीजन में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। सऊदी और ईरान को भी समझ आ गया है कि इस वक्त चीन के साथ रहने में ज्यादा फायदा है। सैंक्शंस की वजह से ईरान के पास तो कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन सऊदी भी धीरे धीरे अमेरिका से दूर होता जा रहा है। 2018 में ईरान ने ड्रोन अटैक्स करके सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने कुछ नहीं किया, जबकि तब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। अब तो वहाँ बाइडेन सरकार चला रहे हैं और बाइडेन और सऊदी के रिश्ते तो और भी बुरे बताए जाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सऊदी की मदद नहीं कर रहा है तो उन्हें ये समझ आने लगा है कि लड़कर कोई फायदा नहीं है, और अगर चीन की मदद से ईरान के साथ पीस मेंटेन की जाए तो उनका ज्यादा फायदा है। यही वजह है दोस्तों कि अब सऊदी अरब ने यमन से अपनी फोर्सेस को निकालने का फैसला किया है। अगर चीन ये जियोपॉलिटिकल गेम अच्छे से खेलने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट हमेशा से ही अमेरिका की इन्फ्लुएंस को कम करने के बारे में विचार करता आया है और इस रीजन में अमेरिका ने वॉर्स के अलावा और कुछ नहीं किया है। चीन का मिडल ईस्ट में बढ़ना एक तरह से दुनिया के डॉलर की पावर को भी बहुत कम कर देगा, क्योंकि डॉलर्स के रिजर्व करेंसी होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप ऑयल सिर्फ डॉलर्स में ही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर चीन इस रीजन में अमेरिका से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है तो फिर मुमकिन है दोस्तों कि सऊदी और ईरान डॉलर के बजाय युआन या फिर किसी दूसरी करेंसी में भी तेल बेचने को रेडी हो जाए, जो इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर की मोनोपोली खत्म कर देगा। यूएस भी इस समय अपनी खुद की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आपको बता दें, पहले वहाँ बैंक्स कोलैप्स होने लगे और अब खबर है कि अमेरिकी सरकार ने अपने कर्ज लेने के लिमिट को छू लिया है, लेकिन अगर वो और कर्ज नहीं लेंगे तो मुमकिन है कि वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। इस वक्त और ज्यादा कर्ज लेने के लिए बाइडेन को अपनी कांग्रेस से परमिशन चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस सब ने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया है कि जो बाइडेन ने अपनी क्वाड की मीटिंग भी रद्द कर दी है और उन्हें जून से पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसा लगता है कि जैसे चीन के सभी प्लान्स परफेक्टली काम कर रहे हैं और ये मुमकिन है कि आने वाले समय में चीन अमेरिका के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह गायब कर देगा। मिडिल ईस्ट को अब अमेरिकन वेपन्स नहीं बल्कि चाइनीज पैसे की जरूरत है, और जिस हिसाब से अमेरिकन इकोनॉमी की हालत है वो कभी भी चीन के ऑफर से बेटर ऑफर मिडिल ईस्ट को नहीं दे सकता है। लेकिन ईरान और भारत भी दो बड़े गहरे पार्टनर्स हैं और भारत ने ईरान को उनका छबहार पोर्ट डेवलप करके भी दिया है। चीन की ये नजदीकी भारत और ईरान के रिश्तों के लिए कैसी होगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।